हेलो टेंथियंस वेलकम टू अलिबर्स क्लास सफलता की क्लास इंग्लिश मिशन नाइन्टी फाइव परसेंट प्लस कैसे होगा कंप्लीट समझ लेते हैं शानदार जीत के लिए चाहिए जानदार प्लान इंग्लिश स्कोरिंग सब्जेक्ट है आई मीन टू से मोर देन नाइन्टी फाइव परसेंट ईजिली इसमें आप सिक्योर कर सकते हैं बस इसे भी मेन सब्जेक्ट में काउंट करना है इंग्लिश को मेन सब्जेक्ट में काउंट करने से मेरा मीन्स है अपने स्टडी टाइम टेबल में इंग्लिश को भी आपको प्लेस देना है वीकली थ्राइस ए वीक ट्वाइस आइस ए वीक डेली एज पर योर कैपेबिलिटी आर यू गेटिंग माई पॉइंट ऐसा नहीं करना है कि एग्ज़ाम से कुछ मंथ्स पहले ही पढ़ लेंगे नो नॉट एट ऑल अपना टारगेट बोर्ड नहीं प्री बोर्ड को बनाना है आई मीन टू से मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर में आपके प्री बोर्ड कंडक्ट कर दिए जाते हैं सो एनी हाउ नवंबर तक आपको अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर लेनी है सेक्शन रीडिंग स्किल्स को 20 मार्क्स का वेटेज दिया गया है जिसमें टेन टेन मार्क्स के दो अनसीन पैसेज आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करने हैं अनसीन पैसेज जो आपने क्लास एथ और नाइन्थ में किए हैं वो वाला लेवल नहीं है लेवल थोड़ा अप है अब आप क्लास टेंथ में आ गए हैं अनसिन पैसेज में जो क्वेश्चन आपसे कन्फर्म किए जाएंगे उनको थोड़ा ट्विस्ट करके दिया जाता है वैराइटी ऑफ क्वेश्चन होते हैं एम सी क्यूज़ बेस्ड होते हैं वन वर्ड आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं ट्रू फॉल्स होगा फिर इन द ब्लैंक्स होगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे सो यहाँ पर आपको अनसिन पैसेज की प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है वो प्रैक्टिस आपको स्कूल में नहीं कराई जाती है इतना टाइम टीचर के पास नहीं होता है आपको सेल्फ ही प्रैक्टिस करनी है अब सेल्फ प्रैक्टिस आप कहाँ से करेंगे उसके लिए एक सजेशन मेरा आपके लिए है बिल्कुल स्ट्रॉन्ग सजेशन है सजेशन क्या है अपने सीनियर से आई I मीन mean टू से जिन्होंने इस बार क्लास टेंथ के एग्ज़ाम्स दिए हैं उनके पास से आप सैम्पल पेपर कलेक्ट कर लो ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर का सैम्पल पेपर क्योंकि हमारे ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव में कोई भी चेंजेस नहीं हैं सब कुछ सेम होने वाला है सिलेबस में कोई चेंज नहीं है पैटर्न में कोई चेंज नहीं होगा सो so, उसको आप जरूर ले लें उससे आप प्रैक्टिस करें और अगर आपने संडे टू संडे भी प्रैक्टिस किया यू बिलीव दैट वन आउट ऑफ ट्वेंटी आप लेकर आएंगे अदरवाइज़ अपने सीनियर से भी आप कंफर्म कर लेना जो अब रीडिंग स्किल्स हमारे अनसिन पैसेज आ रहे हैं वो थोड़े सा उनका लेवल डिफिकल्ट है सो so, आप पहले से ही उसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे आर यू गेटिंग माई पॉइंट सेक्शन बी राइटिंग एंड ग्रामर स्किल्स को ट्वेंटी मार्क्स का वेटेज दिया गया है टेन मार्क्स में ग्रामर टेन मार्क्स में राइटिंग स्किल्स पहले ग्रामर को समझते हैं डिटरमाइनस टेंसेज मोडालस सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट रिपोर्टेड स्पीच के ये तीन पार्ट कमांड्स एंड रिक्वेस्ट स्टेटमेंट एंड क्वेश्चन इन टॉपिक्स को इंक्लूड किया गया है ट्वेल्व क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे टेन को आपको अटैम्प्ट करना है और ये जो टेन मार्क्स हैं इनको भी सिक्योर करना ईजी नहीं है क्योंकि इनके जो क्वेश्चन हैं उनको भी वेराइटीज़ में दिया गया है गैप फिलिंग अप्रोक्स टू क्वेश्चन गैप फिलिंग के आएंगे टू क्वेश्चन आइडेंटिफाई द एरर आपको एक सेंटेंस मिलेगा उसमें एक एरर आपको फाइंड आउट करनी है उसे आपको फिर करेक्ट वर्ड से सप्लाई कर देना है डायलॉग कंप्लीशन सीधे साधे डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं मिलेंगे उनको डायलॉग कंप्लीशन की एक फॉर्म में आपको दिया जाएगा एडिटिंग सो so इन सब पैटर्न को समझने के लिए भी आपको जो लास्ट ईयर का सैम्पल पेपर है उससे प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर देना यू बिलीव दैट वन क्योंकि टीचर्स आपको इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करा पाएंगे उसके लिए आपको वो सैम्पल पेपर अभी से आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं आर यू गेटिंग माई पॉइंट बाकी सभी वीडियोज़ के लिंक अर्ली बर्ड्स क्लास पर अवेलेबल हैं क्लिक कर, कर आप देख सकते हैं आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे अब राइटिंग स्किल्स को समझ लेते हैं टेन मार्क्स में फाइव फाइव मार्क्स के आपको टू क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं पहला क्वेश्चन हमारा होगा फॉर्मल लेटर का फॉर्मल लेटर के लिए आपको एक सिचुएशन दी जाएगी क्वेश्चन को पढ़कर समझना होगा फिर आपको आइडिया लेना होगा कि ये क्वेश्चन किस पर बेस्ड है चार तरह के लेटर आपके होते हैं लेटर ऑफ इंक्वायरी लेटर ऑफ कंप्लेंट लेटर ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर और लेटर टू द एडिटर इजी क्वेश्चन होता है हंड्रेड से हंड्रेड ट्वेंटी वर्ड्स में कम्पीट करना होता है अरे हंड्रेड वर्ड में ही कम्पीट कर देना फाइव मार्क्स आपको घर से ही जा रहे हैं बिलीव दैट वन बहुत थोड़े से प्रैक्टिस करनी है फॉर्मेट को समझ लेना है सेम एज़ एनालिटिकल पैराग्राफ जो कि एक मैप चार्ट ग्राफ क्लू बार इस पर बेस्ड होगा इससे बच्चे थोड़ा डिस्टर्ब होते हैं टीचर भी इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करा पाते हैं फोर योर कन्फर्मेशन यहाँ मैंशन तो एनालिटिकल पैराग्राफ है लेकिन जो एग्ज़ाम पेपर आ रहे हैं उनमें एनालिटिकल पैराग्राफ के साथ साथ क्वेश्चन जो होता है वो पैराग्राफ राइटिंग का आ जाता है सो so, मैं सजेस्ट करूंगा अगर एनालिटिकल पैराग्राफ आपको समझने में प्रॉब्लम होती है तब आप सिंपल पैराग्राफ राइटिंग पे चले जाना पैराग्राफ राइटिंग जो आएगी बहुत सिंपल सा टॉपिक मिलता है उस पर लिखना होता है तो यहाँ जो राइटिंग स्किल्स के मार्क्स हैं ये टेन मार्क्स आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी सेक्शन सी लिटरेचर स्किल्स को 40 मार्क्स का वेटेज दिया गया है 40 मार्क्स को किस तरह से डिवाइड किया गया है समझने से पहले आपके कोर्स में दो आपकी बुक हैं पहली बुक है फर्स्ट फ्लाइट फर्स्ट फ्लाइट के दो पार्ट हैं प्रोज एंड पोइट्री सेकेंड बुक है हमारी फुट प्रिंट विदाउट फीट जो सिंपल प्रोज है आई I मीन mean, स्टोरी बुक है स्टोरीज को अच्छे से समझने के लिए लाइन बाय लाइन वर्ड टू तो वर्ड आपको पढ़ना होगा सेक्शन सी लिटरेचर एक्स फोर्टी मार्क्स को इस तरह से डिवाइड किया गया है टेन मार्क्स में आपको एक्सट्रैक्ट मिलेंगे दोनों ही बुक से और एक्सट्रैक्ट फोर आएंगे टू आपको अटैम्प्ट करने हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एटीन मार्क्स के लिए हैं और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ट्वेल्व मार्क्स के लिए हैं सिलेबस को अगर आपने चेक नहीं किया है लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है क्लिक कर, कर बिल्कुल पिक्चर आपको क्लियर हो जाएगी किस तरह से कितने क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं एंड बचा पार्टी समझने का है लिटरेचर की ये फोर्टी मार्क्स हैं इनको भी आउट ऑफ फोर्टी फोर्टी लाना थोड़ा सा मुश्किल है उनके लिए जो प्रैक्टिस नहीं करेंगे इसके लिए भी आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर से एक्सट्रैक्ट जो नाइन्थ में आपका स्टैंडर्ड था ना एट्थ में था भाई थोड़ा सा लेवल अप हो गया टेंथ में आप आ गए मैं आपको बार बार ही बता रहा हूँ सो एक्स्ट्रैक्ट ट्विस्ट करके आ रहे हैं उनको भी अगर आप प्रैक्टिस पहले ही कर लेंगे आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा सेम एज़ जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं ना मेरा बच्चा पार्टी वो बच्चा पार्टी वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी अप्रॉक्सीमेटली डायरी एंट्री के फॉर्म में आ रहे हैं या लेटर के फॉर्म में आ रहे हैं या पैराग्राफ के फॉर्म में आ रहे हैं या वो आपको एटलीस्ट दो चैप्टर्स की स्टोरी से रिलेट करते हुए आपको दो करेक्टर से रिलेट करते हुए कंट्रास्ट या कंपेरिजन करते हुए ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं सो प्लीज एंड प्लीज सैंपल क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करो और अपनी तैयारी शुरू कर दो 80 मार्क्स का एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आएगा और 20 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट के हैं इट मींस ये 20 मार्क्स आपके स्कूल टीचर के हैंड में होते हैं इसमें आपको टेन टेन मार्क्स की दो एक्टिविटीज़ कराई जाएंगी असेसमेंट ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स जो ऑलरेडी आप नाइन्थ में कर चुके हैं अगर नहीं किया है सो इसको भी अगर इसको समझना है लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है क्लिक कर, कर देख लेना सेकेंड आपको आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट फाइल आपको प्रिपेयर करनी होगी टेन मार्क्स में इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है क्लिक करके कर देख सकते हैं सो बचा पार्टी ये ट्वेंटी मार्क्स अगर आउट ऑफ ट्वेंटी चाहिए अपने गुरुदेव को जो आपके टीचर हैं सर हैं मैम हैं थोड़ा सा उनको फॉलोअप करना है जरा उनकी बात माननी है टाइम पर ही उनको सब कुछ आपको कंप्लीट कर, कर देना है उम्मीद करता हूं इंग्लिश ये जो मिशन है हमारा नाइन्टी फाइव परसेंट प्लस अगर आपने इन टिप्स को फॉलोअप किया श्योरली नाइन्टी फाइव परसेंट प्लस हम सिक्योर कर पाएंगे सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर क्लास स्टेंथ गॉड ब्लेस यू ऑल